अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं सचाई वाला मिलियनेयर। मेरे साथ आबिद भाई हैं। आबिद वली भाई जन का इंट्रो ये है कि आज तक ये 50 लाख से ज़ायद कमा चुके हैं। किस शोबे में? ट्रांसलेशन में, तर्जमा करना किसी चीज़ का। मैंने इस इंडस्ट्री को कभी तवज्जो नहीं दी, हत्ता कि मैं 80 लाख रुपए हार चुका हूँ ट्रांसलेशन करवाते करवाते अपनी गेमों की, अपनी वेबसाइट्स की वगैरह वगैरह। लेकिन आज इनके साथ बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था यार जो काम लेता है वो कितने कमाता है। तो ये हमारे साथ हाजिर है, इन्होंने हमें बताया, बहुत सारी इन्होंने फैक्ट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। पहली फैक्ट्स इनसे ये पूछूंगा, वो बताएं वो जो ड्रामे वाली आपने बोला जी कि 2013 में क्या होता था और अब क्या हो रहा है। ऐसा हुआ था कि इंग्लिश एक कंपनी थी इंग्लैंड की, उन्होंने मुझे ईमेल किए कि हमें टर्किश इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए। तो मेरे पास ट्रांसलेटर नहीं थे, मैंने गूगल किया, ट्रांसलेटर ढूंढे। उन्होंने कहा था कि एग्रीमेंट तब करेंगे जब हम आपकी जो आपको सैंपल देंगे वो अप्रूव हो जाएगी। तो मैंने सैंपल ट्रांसलेटर को भेजा, उन्होंने जो ट्रांसलेशन मुझे दी वो उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। और उस ट्रांसलेशन, सिर्फ एक ड्रामे की जो ट्रांसलेशन थी वो 40 लाख थी। माशाल्लाह, जिसका कुछ हिसाब आपने किया? जिसका कुछ हिसाब मैंने किया। माशाल्लाह, आप शुरू कैसे हुए इस इंडस्ट्री में? शुरू काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा कज़न था, वो लम्स में पढ़ता था, मैंने बैचलर नर्स से किया है, तो साथ साथ ही थे, कभी कभार हम मिलते थे। तो वो हॉस्टल आए और मुझसे कहा कि यार मेरा टीचर कह रहा है कि हम ट्रांसलेशन करते हैं, तुम भी मेरे साथ ट्रांसलेशन करो, साल के अंदर अंदर तुम्हें गाड़ी ला के दूंगा। तो मैंने कहा यार वो करता क्या, कहाँ से लेता है? उसने कहा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मैं आईटी कर रहा था बैचलर्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो जब चला गया तो मैंने सारा गूगल किया, गूगल मैंने किया तो उसमें काफ़ी सारी मुझे मिल गई हैं कंपनियाँ जो ट्रांसलेशन, जिनको रिक्वायर्ड थे रिसोर्सेज ट्रांसलेटर्स। तो मैंने उधर अप्लाई करना शुरू कर दिया। अप्लाई करने के एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे एप्पन बटलर हिल एक कंपनी थी, जो कि बाद में फिर वो मर्ज हो गई, बटलर हिल अलग था, एप्पन अलग था, मर्ज हो गई सिर्फ एप्पन के नाम से, ऑस्ट्रेलियन फर्म है। उनकी तरफ से मुझे ईमेल आई है कि यार हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड है इंग्लिश टू उर्दू। तो मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ। तो तब से मैंने फिर वो, उसको पता ही नहीं था, और मैंने तकरीबन उस दौरान महीने के अंदर अंदर 3-4 लाख रुपए कमा लिया। माशाल्लाह। अच्छा, पहला प्रोजेक्ट था क्या, वैसे क्या ट्रांसलेट करवाया उन्होंने? पहले रैंडम कुछ सेंटेंसेस दे उन्होंने वो ट्रांसलेट करवाए, खास किताब खास उसका नहीं था, बस रैंडम सेंटेंसेस दे। माशाल्लाह। इस दौर में अगर कोई ट्रांसलेशन में जाना चाहे, ठीक है, तो वो कौन सी वेबसाइट पे काम ले सकते हैं? वेबसाइट जो टॉप पे चल रही है वो prose.com, translatorscafe.com, फाइबर पे भी आप कर सकते हैं, freelancer.com पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ मैंने काम किया है वो appen.com, वन आवर ट्रांसलेशन अमेरिकन है, और इसके अलावा जो है वो लाइन एरिस लेटवियन है, लेटवियन वो करवा। माशाल्लाह, पहले आप की तगड़ी अंग्रेज़ी हो तो फिर आपको काम मिल जाएगा, लेकिन उर्दू इंग्लिश कम मिलेगा, इंग्लिश हिंदी के चांसेस ज़्यादा हैं। बट आई वुड ऑल्सो इंकरेज यू टू लर्न अदर लैंग्वेजेस, इसमें ट्रांसलेशन, राइटिंग सारा कुछ आ जाता है। सर मैं ये ऐड कर दूं कि जो हमारे भाई बाहर गए हुए हैं, फर्ज करें कोई फ्रांस गया हुआ है, हाँ, कोई जर्मन गया हुआ है, तो उनको वो लैंग्वेजेस आती हैं जिन्होंने वहाँ पे 10-15 साल गुजारे हैं। तो उनके लिए आप जिस तरह टर्किश टू उर्दू आ रहा है, तो उनको उर्दू उनकी बेसिक थी, वो बाहर गए, उन्होंने टर्किश जो है वो भी सीख लिया, तो वो काफ़ी सारा चंक उठा के ट्रांसलेट कर सकते हैं, फ्रेंच कर सकते हैं। अर्थ्रूल अभी ट्रांसलेट हुई है ना, सबने देखी है ना, आई एम प्रीटी श्योर अब 40, एक एक जो ड्रामा है उसका उस टाइम जो 7-8 साल पहले 40 लाख था वो 70-80 तक चला गया होगा एकदम। यस, यकीनन। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से टू यू, बहाने खत्म। कोई भी आपको काम आता है किसी में भी, आप यार महारत दिखा दोगे तो यू विल मेक मनी। बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। मैंने इनको इसलिए बिठाया यहाँ पे, एक तो आपको बताने के लिए कि भाई ये बंदा जिसको नॉर्मली हम, सॉरी मुझे भी मैं इसमें से गुजर चुका हूँ, नज़रअंदाज कर देते हैं, वो मौलवी है, फनेटिक है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट है। वो बंदा अगर आपके यहाँ बैठ के आपको ये इतने कमा सकता है तो आपके बहाने क्या है, जो आप मॉडर्न बर्गर बॉयज एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। सर मैं आपको ये भी इसमें बता दूं कि शुरू में मैं ख़ुद काम करता था, बाद में फिर मैंने जब काम ज़्यादा हो गया मैंने एक वर्चुअल एजेंसी बनाई हुई थी, मैंने फिर ट्रांसलेटर्स को हायर करना शुरू किया। मैं पहले जो अपने पाकिस्तानी लैंग्वेजेस थे उसी में लगा रहा, उर्दू में, पश्तो में, जो हमारी यहाँ की हैं लैंग्वेजेस, पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी, क्योंकि वो हमारा इंडिया का शाहमुखी और गुड़मुखी वो है, डिफरेंस है, स्क्रिप्ट में भी डिफरेंस है। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया, मैंने कहा कि मैं आगे क्यों ना जाऊँ, तो रशियन भी मैंने किया, हालांकि मुझे रशियन नहीं आती, अरेबिक भी की है, टर्किश भी की है, बस और उनको हायर करके, और हिंदी भी की है, इंडियन को हायर करके हिंदी भी कराई, पढ़नी आती नहीं है, जिंदाबाद। दैट्स ऑल मिलियनेयरो, हौसला में पड़ गया होगा, मुझे अंदर जाना है फॉर क्वेश्चन आंसरिंग सेशंस, इनको मैं वहाँ से घसीट के लाया हूँ बाहर। मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच वली भाई, आपने क्या कहते हैं हमें सिखाया।
एंड दैट्स इट टिल देन, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलिन एरो, अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले गुरबत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कहता हूं आजाद हो जाओ।